नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। जालंधर के अधीन आते लोहिया के गांव मानक में पड़ते रेलवे अंडरब्रिज में खड़े पानी में किसान ट्रैक्टर ट्राली सहित डूबा, हुई मौत। जालंधर के थाना बस्ती बाबा खेल के अंतर्गत आते पन्नू विहार में एक प्रवासी युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। और अब हलचल विस्तार से। फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर पुलिस द्वारा नाकाबंदी के दौरान थाना सदर की पुलिस ने फिरोजपुर की तरफ से आ रहे एक मोटरसाइकिल को रुकने का इशारा किया तो मोटरसाइकिल सवारों ने पुलिस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। पुलिस द्वारा जवाबी कार्रवाई के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी और उसे काबू कर लिया गया और दूसरा भागने में सफल हो गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए डीएसपी बलकार सिंह ने बताया कि फिरोजपुर फाजिल्का रोड पर थाना सदर के एसएचओ अभिनव चौहान और पुलिस पार्टी द्वारा नाकाबंदी की गई थी। इस दौरान एक मोटरसाइकिल पर दो नौजवान सवार होकर आ रहे थे। जब उन्हें रुकने का इशारा किया तो उन्होंने पुलिस पर गोलियां चला दी, जिसके चलते पुलिस ने जवाबी हमले में गोली चलाई और एक गोली एक बदमाश के पैर में लगी और उसे काबू कर लिया गया, जबकि दूसरा भागने में सफल हो गया, जिसकी तलाश जारी है। उन्होंने बताया कि बदमाशों के कब्जे से एक पिस्तौल, देसी कट्टा और कुछ कारतूस बरामद हुए हैं। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी की पहचान दिलेर सिंह दलेरी के तौर पर हुई है, जिस पर पहले भी कई तरह के मामले दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि फरार आरोपी को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। फिरोजपुर से हलचल के लिए मनजीत सिंह की रिपोर्ट। आज फिरोजपुर फाजिलका रोड दे तकोनी कनाल कलोनी दे इंस्पेक्टर अभिनव चौहान एसएचओ सदर फिरोजपुर ते इंचार्ज सीआईए सरदार हरप्रीत सिंह इंस्पेक्टर ते इन्हां दी फोर्स ने नाकाबंदी कीती सी। दौराने नाकाबंदी फिरोजपुर दी तरफों एक मोटरसाइकिल आया, उस मोटरसाइकिल ते दो जने सवार सीगे। जो उन्होंने रुकने लिए इशारा किया तो जिहड़ा पिछे बैठा आदमी सीगा जिहदा नाम बाद विच दलेर सिंह उर्फ दलेरी वासी खाई फेमे के पता लगा, उन्हें पुलिस पार्टी ते जानों मार देने की नीयत नाल फायरिंग कर दिती। पुलिस ने भी अपने बचाव दे विच फायर किया, जिहड़ा एक फायर जिहड़ा है उहदे पैर तो थोड़ा जिहा गिट्टे तो थोड़ा उपर पिंजनी दे विच लगा। पेशेंट जिहड़ा है उहनूं सिविल हस्पताल दाखिल करा दिता। पुलिस पार्टी बाकी जिहड़ा बिल्कुल तंदुरुस्त है, किसी दे कोई फायर नहीं लगा भी, लेकिन इहदा नाल दा जिहड़ा साथी सी गागी फिरोजपुर दा रहण वाला वह मोटरसाइकिल समेत मौके तो जिहड़ा है भज्जण च कामयाब होया। सर पहले भी मामला दर्ज सी है इहदे ते, काफ़ी मुकदमे जिहड़े है इरादा कतल डकैतियां खोहां दे काफ़ी मुकदमे पहला भी दर्ज। एक को पॉइंट 32 बोर का जिहड़ा है पिस्टल समेत दो जिंदा राउंड प्लस तीन जिहड़े आ खोल कारतूस पॉइंट 32 बोर दे मौके तो। बिना लाइसेंसी वैपन है जी, नजायज हैगा जी। दो जने सीगे, एक मौके तो मोटरसाइकिल समेत फरार होने च कामयाब हो। बिल्कुल पुलिस ते फायरिंग की, ताही पुलिस ने फायर किया जी अपने बचाओ की खातर। हाँ, बंदा जख्मी है जी, इतनी सिविल अस्पताल च दाखिल। जालंधर के अधीन आते लोहिया के गांव गिद्दड़ पिंडी के रेलवे स्टेशन के बीच पड़ते गांव मानक के रेलवे अंडरब्रिज में खड़े गहरे पानी में ट्रैक्टर ट्रॉली सहित एक किसान डूब गया, जिसकी मौके पर ही मौत हो गई और कई घंटों तक लाश पानी में तैरती रही। मिली जानकारी के मुताबिक अंडरब्रिज में पिछले 3 महीनों से बाढ़ का बदबूदार पानी जमा था, जिसके चलते अंदाजा ना होने के कारण जब ट्रैक्टर ट्रॉली ब्रिज के बिल्कुल नीचे उतरी तो किसान अजीत सिंह ट्रैक्टर ट्रॉली सहित पानी में डूब गया, जिस कारण उसकी मौत हो गई। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। जालंधर के थाना बस्ती बाबा खेल के अंतर्गत आते पन्नू विहार में एक प्रवासी युवक ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने वाले युवक का नाम सोनू बताया जा रहा है।
इस घटना की जानकारी युवक के जीजा अरुण ने दी। उन्होंने बताया कि मृतक सोनू बिहार का रहने वाला था, तो वहीं एएसआई हीरा सिंह ने बताया कि उन्हें सूचना मिली थी कि बिहार के एक युवक ने पंखे से फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है, जिसके बाद वे घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और मृतक युवक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि परिवार के बयानों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। शादी हुई है इसकी? कब आ रहा था जब? क्या काम क्या करता था? इधर जलंधर में काम पर रहते थे आप? काम पर रहने वाले? जलंधर बिहार के रहने वाले। तराई मिली है कि सानू जे अंदर फा ले लिया, अड़के देखिए कि कुंडे ने इन्हें पक्के ने फा लिया है, तो काफ़ी देर का शरीर काफ़ी ठंडा हो चुका। परिवार च कौन कौन है? चाची की लड़की मिली है, उससे बात करते हैं। जालंधर में देर रात चली तेज आंधी से कई जगह पेड़ गिरने और अन्य नुकसान होने के मामले सामने आए हैं। वहीं ताज़ा मामला सूर्य एनक्लेव से सामने आया है, जहां देर रात चली तेज आंधी से एक पेड़ टूटकर गिर गया। मिली जानकारी के मुताबिक ये नीम का पेड़ था, जो कि देर रात चली तेज आंधी से किसी के घर के बाहर गिर गया, तो वहीं पेड़ गिरने के कारण तारें भी टूट गई और रास्ता भी बंद हो गया। वहीं देर रात दमकल विभाग के कार्यालय के पास भी पेड़ गिरने का मामला सामने आया है, जहां दमकल विभाग की गाड़ियों के आगे पेड़ गिर गया। इस घटना की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें देखा जा सकता है कि गाड़ियों के आगे पेड़ गिरने से रास्ता बाधित हो गया। बताया जा रहा है कि दमकल विभाग की गाड़ियों पर पेड़ गिरने से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। दरअसल गत रात्रि अचानक आंधी चलने के बाद मौसम में बदलाव देखा गया। देर रात चली तेज आंधी के बाद बारिश भी हुई, ऐसे में तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज की गई और मौसम काफी सुहावना हो गया। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर ये कोई 12:15 की गल है, सवेरे नहीं रात की गल है, जो नेरी तूफान आया तो वो साड़ी पीर जगह दरगाह आ गई है, उत्ते बड़ा पुराना टिप्पर लगा होगा, वो राती डिग गया 3 गड्डिया से, तो गड्डिया का नुकसान हो गया। कोई जानी नुकसान कर्मचारी है किसी का? नहीं नहीं, कर्मचारियों का कोई नुकसान नहीं है, गड्डिया का 3 का नुकसान हो गया। गड्डिया ज़्यादा नुकसान है? ये तो सर्वे ही दस सकता कितना का नुकसान है। तो हम चलो नुकसान तो हो गया, गड्डिया जी एक नवी गड्डी है, बाकी कितनी गड्डिया? 2 गड्डिया नवी है, तो एक पुरानी खाली। तो एमरजेंसी जो लोड पैंती गड्डिया उधर काम चल सकती है फिलहाल? हाँ जी हाँ जी, गड्डिया चल सकती हैं जी, काम दे सकते। तो हम अगर अफसर ने देती जानकारी सारी? हाँ जी, अपने उच्च अधिकारी ने दस दिता है, रादा दसे है उन्होंने। हाँ जी, फगवाड़ा के जोशियां मोहल्ले में लड़ाई झगड़े के दौरान 2 नौजवान घायल हो गए, जिन्हें घायल अवस्था में फगवाड़ा के सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पर घायल पंकज ने बताया कि वे जोशियां मोहल्ले से आ रहा था कि रास्ते में उसके भाई के साथ कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। जब उसने उनको छुड़वाया तो उन्होंने उस पर भी हमला कर दिया, जिसके बाद घायल मनीष और पंकज को सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां पंकज ने प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए दूसरे पक्ष के पीड़ित नरेश थापर ने बताया कि वह अपने किसी व्यक्ति को मिलने गया था कि इस दौरान कुछ लोगों ने उसके साथ मारपीट की। उसने बताया कि उसे नहीं पता था कि मोहल्ले में क्या चल रहा था, लेकिन उन्होंने उसके साथ भी बुरी तरह से मारपीट की। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। सर असीं उधरों लंघते पे सीगे, उन्होंने साडे सट्टा मारियां इधर उधर बहुत ज्यादा। किधरों लंघते पे सीगे? जोशियां मोहल्ले तों लंघते पे सीगे, साडा तां कोई लेना देना नहीं सीगा, ते उह सानूं 40-50 जणे पै गए, बहुत साडे सट्टा मारियां। ਤੁਸੀਂ ਪੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਜੀ? ਜੋਸ਼ੀਆ ਮੁਹੱਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛਡਾਉਣ ਗਿਆ, ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਪਣੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ 40-50 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋ ਜੀ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ।
ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਜੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੋਢੀ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਸੋਢੀ ਭਾਈ ਨੇ ਮਿਲਣ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੁਹੱਲੇ ਦਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਿਆ ਕੀ ਹੈਗਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਪੈ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ? ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਮੁਹੱਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਜੋਸ਼ੀਆਂ ਮੁਹੱਲਾ ਜੀ, ਉਹ ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੋਸ਼ੀ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਉਹ 4-5 ਜਣੇ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਵਿੱਚੇ ਜਨਾਨੀਆਂ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ? ਰਾੜ ਸੀਗੇ, ਖੰਡੇ ਸੀਗੇ, ਟੇਟਾ ਉੱਟਾ ਕੋਠੇ ਤੋਂ ਮਾਰਨਾ। ਸਰ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ? ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਗਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ? ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਨਾਲੇ ਬੰਦਾ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਘਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ ਜਰਮਨ ਤੋਂ ਆਏ? ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ 4.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪੈ। ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਜੀ ਪਵੜ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਕੇਸ ਆਏ ਸੁਭਾਸ਼ ਨਗਰ ਦੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਮਨੀਸ਼ ਠਾਕੁਰ ਸੰਨੋ ਮਹਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਉਹਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸੱਟਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਥਾਣੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਐਡਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਸਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ? ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਠੀਕ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਜੇ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਛ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਗੱਲ। लॉयंस क्लब आदमपुर दुआबा की ओर से नंबरदार बलवंत सिंह मिन्हास की याद में लाइफ केयर फाउंडेशन के फाउंडर अवतार सिंह बेनीपाल की अध्यक्षता में चैरिटेबल लेबोरेटरी का उद्घाटन सैयद फकीर बीबी शरीफा जी उदेसिया वाले और संत बाबा जनक सिंह जी जब्बड़वाल वालों ने किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए क्लब के प्रधान अक्षरदीप शर्मा और अमरजीत सिंह भोगपुरिया ने बताया कि प्रवासी भारतीय जतेंद्र जय मिन्हास की प्रेरणा से लॉयंस क्लब आदमपुर द्वारा आम लोगों के लिए 70% से भी कम रेटों पर केंद्र सरकार से मान्यता प्राप्त लेबोरेटरी की शुरुआत की गई है, जिसका मुख्य उद्देश्य जरूरतमंद लोगों की सेवा है। इससे उन्हें महंगी होती जा रही स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा लाभ मिलेगा। इस मौके पर लाइफ केयर फाउंडेशन की ओर से अमरजीत सिंह चौलांग और मनदीप सिंह ने बताया कि उनकी लेबोरेटरी NABL से मान्यता प्राप्त है, जिसमें अल्ट्रा मॉडर्न तकनीक से टेस्ट कर संबंधित व्यक्ति की रिपोर्ट उसे मैसेज के माध्यम से फ़ोन पर ही भेजी जाती है। अगर वह चाहे तो लैब से भी अपनी रिपोर्ट खुद प्राप्त कर सकता है। उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अलग अलग शहरों में उनकी लेबोरेटरियां बड़े स्तर पर लोगों को सेवाएं प्रदान कर रही हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अज बड़ा वड़भागा दिन है कि अज आदमपुर दुआबा दे विच लॉयंस क्लब दुआबा के सहयोग के नाल स्वर्गवासी नंबरदार भगवंत सिंह जी मिन्हास, इन्हां दी याद दे विच लाइफ केयर फाउंडेशन वालों चैरिटेबल लैब खोली गई है। इस चैरिटेबल लैब दे विच 73% घट रेटां दे उत्ते टेस्ट कीते जांदे हन। यह लाइफ केयर फाउंडेशन की 75+वीं लैब इस आदमपुर दुआबा दे विच खोली गई है और बाकी लैबां पंजाब दे विच बखूबी अपनियां सेवावां निभा रहियां हन। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਦਮਪੁਰ ਦੁਆਬੇ ਦੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। 75% ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੈਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਔਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਹਿਰ ਆ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਹ NABL ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਮਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੇ। NABL ਰਜਿਸਟਰਡ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ NABL ਦਾ ਲੋਗੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ
ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਨਾ ਡੇਂਗੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਪਿਆ ਬਹੁਤ ਬਿਮਾਰੀ ਡੇਂਗੂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਡੇਂਗੂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਓ 600 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਟੈਸਟ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 250 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ जालंधर में नगर निगम के कर्मचारियों की ओर से अपनी मांगों को लेकर चल रही हड़ताल के दूसरे दिन भी कामकाज ठप रखा गया। इस दौरान कर्मचारियों की ओर से कामकाज ठप रखते हुए निगम प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी भी की गई। गौरतलब रहे कि उनकी मांगे ये हैं कि जिनकी तरक्की बनती है उन्हें तरक्की दी जाए और वर्कशॉप में लगे कर्मचारियों की ड्यूटी रोटेशन के तहत बदली जाए। वहीं उन्होंने कहा कि कच्चे कर्मचारियों की भर्ती बंद हो जिसके चलते यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस दौरान यूनियन के प्रधान ने कहा कि निगम कमिश्नर की ओर से गत दिवस उन्हें भरोसा दिया गया था कि उनकी शाम तक सभी मांगे पूरी कर दी जाएंगी लेकिन इसके बावजूद भी मांगे पूरी ना होने के चलते विवश होकर उन्हें फिर हड़ताल करनी पड़ी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। मैं दसना चाहना प्रशासन पुराने कमिश्नर साहब ने इतने अपरूवल लैके चंडीगढ़ भेजा है सरकार ने पास किया अज पता नहीं जो निगम के प्रशासन के अफसर आ उस 71 नंबर मते इंप्लीमेंट क्यों नहीं होते रहे कि दबा थले है जो सरकार ने अपरूवल देती उस चीज़ को अपना लागू क्यों नहीं करते पे साड़ी कमिश्नर साहब कल भी गल हुई इस टॉपिक से वो सानू हर बार कहते मैं करदा हाँ मैं करदा गल करके तुम दसदा ये पता नहीं कि प्रैशर है इन्हें जी है ये दसते नहीं है अज असी टाइम दिता है टाइम बाउंड जे गल साड़ी सुनी जाती है ठीक है ने जिदा सनी जी ने कहा वा अगला कार्यक्रम होगा वो मुताबिक कार्रवाई करेंगे असं इंक्रीमेंट लगन की गल सी जी थानू चंडीगढ़ जाना पेगा और बनया मसले पर चंडीगढ़ भी जावे इस मतलब लैके मंत्री साहब को पूछेंगे जी चीज़ तुम्हें पास करके भेजी है ताे अफसर ताे तो व्डे हो गए भी ताे हुक्मों की पालना नहीं करते पे थले अज दूसरे दिन तुम हड़ताल से बैठे हो कि कल तुम्हारी कल निगम कमिश्नर के नाल जो मीटिंग हुई सी उन्होंने आश्वासन दिलाया कि मंगा पूरी होंगे उन्होंने सानू कल सवेरे बुलाया जी गल हुई कहते जी शामी 4 बजे ढाडिया जड़िया 3-4 इतने साढ़े लैवल दंगा वह मान लिया जाऊगी तो शामी 4 बजे आर्डर कर देवे तो कल शाम किसी ने शाम तक कोई गल नहीं खोली हैगी सुत्या पिया है पूरा निगम ए अफसरशाही बहुत इतने खराब है जो शहर का इस वेले हालात ना कूड़े दे जा लिफ्टिंग दे जा जो शहर च गंद पिया ना इतने की अफसरशाही है वो जिम्मेवार जिन्होंने अपने हाथ धोके रखे हुए प्रधान काम हुंदा नहीं गा बस आते हैं चापलूसियां करके चल जाते हैं तो शहर नूं नरक बनाया पिया है साडियां डिमांडा एक वर्कशॉप जिहड़ा हैल्थ वर्कशॉप शाखा विखे जिहड़ा 17-18 साल तो इको ही इंस्पैक्टर है जिहड़ा तेल की पर्ची इशू करता असी कहने भी की इदा का प्रेशर है जिहड़ा उत्थे सारे इंस्पैक्टर भी जिहड़े बाकी इंस्पैक्टर उन्होंने भी उही डिप्लोमा किया होया है उन्होंने रोटेशन के तौर पर क्यों नहीं लाया जाता महीना 2-2 महीने एक हैल्थ शाखा के बिल कलर्क बदलन की असी मांग की है ठीक है जी एक JCB ऑपरेटर है जिहड़े पिछले ही सरकार च मानजोग चन्नी साहब ने यह सारे आउटसोर्स वाले कंट्रैक्टर लिया के तो लुधियाने सारे पक्के किए थे पंजाब कंट्रैक्ट लिया के तो साड़ी अफसरशाही की यह नलैकी है इन्होंने ये गल पर भी गौर किया बेचारे 17-18 साल हो गए JCB चलाउंदियां तो इन्हों कंट्रैक्ट बेस पर लिया के पक्के भी नहीं किया गया इधर नूं तवज्जो ही नहीं दिती गई ये इत्थे अफसरशाही का हाल है जिहड़े लख-लख 2-2 लख रुपए तनखावां लैंदे आ तो एक मंग साड़ी ये है भी जिहड़े सीवरमैन सफाई सेवक गड्डियां चलाउंदे आ हैल्थ दियां जां कोई भी वन टाइम उन्होंने इलेक्शन से दे के ते उन्होंने पक्के किया जाए ड्राइवर के तौर साडे नाल ड्राइवर यूनियन क्लैरिकल स्टाफ सारा ऑफिस का विक्की सोता जी खड़े साडे नाल सीवरमैन प्रधान राजकुमार मट्टू जी वाटर सप्लाई दे गुरविंदर सिंह जी और सेवादार यूनियन नितिश नार जी प्रधान जी सारे साडे नाल है सारिया वाटर सप्लाई रिकवरी यूनियन साडे नाल है ਕੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਠੱਪ ਕਰਕੇ ਹੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿੱਦਾਂ ਠੱਪ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਲਹਾਲ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੈ ਗਏ ਹੈ ਜੁਆਇੰਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਵੇਟ ਕਰੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਅਗਰ ਨਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਿਰੇ ਚੜੀ ਤੇ ਕੱਲ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਰਾਮ ਚੌਂਕ 'ਚ ਫੂਕਿਆ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਪੂਰਾ ਚੌਂਕ ਗੱਡੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੋਂ ਜਾਮ ਕਰ अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल के बेबे नानकी वार्ड में 4 दिन पहले चोरी हुए बच्चे के पीड़ित परिवार की ओर से मजीठा रोड थाना के बाहर धरना लगाया गया जिसके चलते गुरु नानक देव अस्पताल में आने वाले मरीजों और राहगीरों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा।
इस मौके पर पीड़ित परिवार के साथ कई समाज सेवी संस्थाएं भी मौजूद रहीं। वहीं पत्रकारों को जानकारी देते हुए पीड़ित परिवार ने बताया कि 4 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस उनके बच्चे की तलाश नहीं कर पाई, जिसके चलते मजबूर होकर उन्हें पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आए दिन अस्पताल में मरीजों के पैसे व सामान भी चोरी होते रहते हैं, पुलिस प्रशासन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। वहीं पुलिस जांच अधिकारी ने कहा कि उनकी ओर से 2 दोषी काबू कर लिए गए हैं और आरोपी महिला को काबू करना बाकी है, जिसकी तलाश में छापेमारी की जा रही है, जल्द ही उसे भी काबू कर लिया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। नारायण सेवा समिति व नारायण संकीर्तन महिला मंडल की ओर से श्री कृष्ण मुरारी मंदिर गोपाल नगर में स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज जी के सानिध्य में 8 दिवसीय श्री शिव पुराण कथा महायज्ञ के 5वें दिन की शुरुआत हुई, जिसमें श्री काशी धर्म पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नारायणानंद तीर्थ महाराज ने उपस्थित भक्तों को कहा कि शब्दों से प्रेरणा देने वाला यहाँ हर कोई मिल जाएगा, पर अपने व्यवहारों और अपने आचरण से प्रेरणा देने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम दूसरों को सिखाते हैं वो स्वयं हमें ग्रहण करना चाहिए। कथा के अंत में महाआरती का आयोजन किया गया। इस कथा के दौरान मुख्य यजमान के रूप में युवा भाजपा नेता रोबिन सांपला, बजरंग दल के सह संयोजक अभिमन्यु घई, मंदिर के पंडित अजय शास्त्री, पिंका रामजी, राहुल कुमार, उर्वशी, मुक्ति मल्होत्रा, जीवन शर्मा, अमरजीत शर्मा, विष्णु जोशी, पंकज जोशी, डॉक्टर बीडी शर्मा, नरेश शर्मा काली, पोली शर्मा, विकी, वीना शर्मा ने विशेष रूप से शामिल होकर आशीर्वाद प्राप्त किया। मंच का संचालन अजय मल्होत्रा ने करते हुए सभी आए हुए शिव भक्तों का धन्यवाद किया। इस मौके पर श्री कृष्ण मुरारी मंदिर के प्रधान सीएल कोछड़, महासचिव उमा महेश्वर, हिंद क्रांति दल के प्रधान मनोज नन्ना, नारायण सेवा समिति से हरेकांत झा, जीवन शर्मा, विष्णु जोशी, अशोक मेहरा, धर्मेंद्र सिंह, संजय चड्डा, मायाराम पांडे और सुरेंद्र भी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। उत्तम सेवक का लक्षण बताने के लिए
शेर वही से सोता है जिसके अंदर त्याग होता है। और जहां त्याग होगा वही प्रेम होता है, जहां प्रेम होता है वहां सेवा करने की इच्छा होती है, सुख पहुंचाने की इच्छा बनी रहती। मैना ने शिव के महत्व को स्वीकार किया और मैना ने कह दिया विष्णु भगवान से कि यदि शंकर जी सुंदर रूप बना ले, अच्छे रूप को दान कर ले, तो मैं उन्हें अपनी पुत्री पार्वती दे सकती हूं। लेकिन शंकर जी का तो ऐसा रूप है जिसको मैं पार्वती नहीं दे सकती। विष्णु की प्रेरणा से भगवान शंकर के पास जाकर के विष्णु ने शंकर जी को समझाया और कहा आप दिव्य रूप को धारण किए। शादी तो आए तो जीवन में रोज तो थोड़ी होता है, एक बार होता है, उससे बढ़िया अच्छा रूप बना के जाना चाहिए। तो आप बढ़िया सजिए, अच्छा बनिए, अच्छा दिखाइए, दिव्य रूप को धारण करिए। तो भगवान शंकर ने प्रसन्नता पूर्वक और दिव्य रूप को धारण कर लिया। भगवान शंकर का मंगलमय प्रवेश, भगवान का दर्शन करके अब शैलराज राजा हिमाचल की पत्नी मैना शंकर जी के रूप सौंदर्य को देख करके, उनके श्रृंगार को देख करके नेशनल के फाउंडर चमनलाल महाजन, जो कि अपनी सांसारिक यात्रा पूर्ण कर प्रभु चरणों में जाविराजे हैं, उनकी आत्मिक शांति हेतु रस्म पगड़ी एवं शोक सभा का आयोजन व्हाइट डायमंड रिजॉर्ट नजदीक जालंधर हाइट्स में किया गया, जिसमें पंडित लक्ष्मी नारायण ने श्री गरुड़ पुराण जी के पाठ का भोग डालकर स्वर्गीय चमनलाल महाजन की आत्मिक शांति हेतु प्रार्थना की। इस दौरान भजन गायक सुरेश मेहंदीरत्ता ने वैराग में कीर्तन कर स्वर्गीय चमनलाल महाजन को श्रद्धांजलि भेंट की। इस अवसर पर सांसद सुशील रिंकू, मेयर जगदीश राज राजा, विधायक बाबा हेनरी, पूर्व विधायक मनोरंजन कालिया, पूर्व विधायक राजेंद्र बेरी, विधायक प्रगट सिंह, पूर्व विधायक पवन टीनू, प्रेमनाथ चड्डा, नितिन कोहली, प्रोफेसर विपन झांझी, सुरेंद्र सहगल, कमल शर्मा कुकी, अमित कुकरेचा, रमेश शर्मा, शालीन जोशी, मोहिंद्र भगत, सौरभ खुल्लर, अशोक मल्होत्रा, राजन गुप्ता, सुनील जैन, रमेश मित्तल, राजू सिद्धू, पारिवारिक सदस्यों में पत्नी संतोष महाजन, विनोद महाजन, सुनीला महाजन, अशोक महेंद्रू, साधना महेंद्रू, निखिल महाजन, सिद्धार्थ महाजन, विक्रम धाम, आशुतोष महेंद्रू, सुनिधि महाजन, शिल्पा महाजन, विहान महाजन, कृषव श्रुतिधाम, विधु महेंद्रू सहित राजनीतिक, धार्मिक तथा सामाजिक वर्ग से जुड़े लोगों ने पहुंचकर स्वर्गीय चमनलाल महाजन को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। जाने के लिए
चानण बना रहा है। अज समाज के बहुत कुछ हो रहा, असी सोचते हैं शायद असी बहुत वड्डी तरक्की कर रहे हैं क्योंकि इंटैलीजेंसिया बढ़ रहा, बहुत चीज़ा योजना असी आने जाने के साधन चंगे कर रहे हैं। आदरणीय बहुत ही सत्कार योग कथावाचक जी, प्यारी साध संगत जी, आदरणीय श्री चमन लाल महाजन जी, जिहड़े कि समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत सन। ये गल ठीक है कि हर एक इंसान ने दुनिया तो चले जाना, पर इंसान इस दुनिया पर बिताया हुआ समा समाज प्रति परिवार प्रति निभाइया हुई जिम्मेवारियां करके इंसान बहुत लंबा अरसा याद रखा जाता है। उन्होंने साढ़े बहुत ही सत्कार योग आदरणीय श्री चमन लाल महाजन जी एक सन। सौकर गुरु का नाम किसी पहचान का मोहताज नहीं है, पर इस नाम इतों तक लैके आना ये पिछे कितनी मेहनत कितनी डेडिकेशन सी, ये मैं अपनी अखी जिहड़ा श्री चमन लाल महाजन जी नूं काम करदे आ देखिया। उन्होंने कभी इस गल का गुरेज नहीं किया कि वह सोकर ग्रुप के मालक हैं, कि उन्होंने का काम करने का दायरा की होना चाहिए। उन्होंने अपने इस यूनिट के मजदूरी भी की, एक आम कारीगर की तरह काम भी किया। और मैं तकरीबन पिछले 25 साल तो लगातार देख रहा कि उन्होंने फैक्ट्री के हर एक यूनिट के हर एक यूनिट च रोज जाते सन और गेट पर जिहड़ा मेन ऑफिस है उत्थे बैठते सन। भरी गर्मी के मैं उन्होंने कुर्सी के उत्ते बिना पखे तो बैठिया पूरी पूरी दिन उन्होंने अपनी ड्यूटी दी। पूज्य पंडित जी, इस ज्ञान सभा से उपस्थित बुजुर्ग है, लंबी उम्र होवे, स्वस्थ शरीर होवे, फर्मा बरदार औलाद होवे, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ग की कामना नहीं करनी चाहिए। ऐसा शास्त्र च लिखा है कि उसका स्वर्ग उसका घर परिवार है। शास्त्र च लिखवाया कथन श्री चमन लाल महाजन जी से पूरा टुकता है। इस नश्वर संसार के 91 सावन बिताए, चार पीढ़ियां देखे गए, परपोते का मुंह देखे गए। बुजुर्ग कहते हैं कि जेड़ा परपोते का मुंह देखे वो स्वर्ग की पौड़ी सोने की पौड़ी चाहता है। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। फिरोजपुर फाजिलका रोड पर नाकाबंदी के दौरान बदमाशों और पुलिस में हुई मुठभेड़, गोली लगने से एक बदमाश हुआ घायल। जालंधर के अधीन आते लोहिया के गांव मानक में पड़ते रेलवे अंडरब्रिज में खड़े पानी में किसान ट्रैक्टर ट्राली सहित डूबा हुई मौत। जालंधर के थाना बस्ती बाबा खेल के अंतर्गत आते पन्नू विहार में एक प्रवासी युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।